रंजीत सिंह साहब भी यहाँ पे हैं और हमारे डीजी ड्रेन डीजी साहब भी आए हुए हैं, हमारे ड्रेनेज डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, वो भी आज गार्डन लीजिए आए हैं। हम लोगों ने मेयर साहब को इस चीज़ को लेकर बहुत बोला गया है, मेयर साहब को कल से लेकर आज हम लोगों ने बोला है और बोल के जैसे हम लोग ने मेयर साहब के सामने ये बात को रखा कि हमारे बोरो 15 में वाटर लॉगिंग हो जा रहा है, बोरो 15 के बाहर रामनगर वाले रोड में वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम हो रहा है जिसकी वजह से तमाम आप लोगों को बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है और जितने भी हमारे बच्चे स्टूडेंट्स हैं जो स्कूल जा रहे हैं, स्कूल से आने के वक्त जाने के वक्त तमाम हमारे गार्डन रिच के रहने वाले रेसिडेंट्स को बहुत ही प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है ये वाटर लॉगिंग की वजह से। तो हम लोग इसके लिए माफ़ी चाहते हैं आप लोगों से कि इतने इनकन्वीनियंस आप लोगों को हो रही है। तो हम लोग इंशाल्लाह ताला ये दुआ करते हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये प्रॉब्लम को समस्या को समाधान किया जाए। इसी वजह से आज खास डीजी साहब भी यहाँ पर विज़िट किए हैं और विज़िट करके उन्होंने सारे प्रॉब्लम्स को देखा है, देख के एक थानकेटी ड्रेनेज है हम लोगों का, हम लोगों ने उसका डिसेंडिंग का ज़ीरो डिसेंडिंग का इमीडिएट काम डीजी साहब ने ऑर्डर कर दिया उसको करने का, और एक महर मंजिल निकासी है जो कि वो भी ज़ीरो डिसेंडिंग होगा 100%, वो भी उन्होंने ऑर्डर कर दिया अभी। साथ ही साथ आप देखे होंगे कि हम लोगों का रामनगर जहाँ पे एंड होता है वहाँ से पे एंड यूज़ टॉयलेट हमने वहाँ पे एक बनाया है, वो रोड जो होता है वो 80 नंबर वॉट के अंडर में आता है, वहाँ पे एक HP कंपनी है, वो HP कंपनी अपने आउटलेट से वाटर को बाहर निकाल के फेंक रहा है रास्ते के ऊपर। डीजी साहब ने इमीडिएट अभी बोरो 9 के जो हमारे एग्जीक्यूटिव है उनको ऑर्डर किया है कि उनको HP कंपनी वाले को इमीडिएट एक नोटिस दिया जाए कि आप इस तरह से पानी रास्ते में नहीं फेंक सकते हैं, और जो भी कंपनी यहाँ पे रास्ते में जो पानी अपना आउटलेट निकाल के फेंक दे रहा है उसको सबको नोटिस किया जाएगा, मना किया जाएगा कि आप नहीं फेंकें। साथ ही साथ जो वहाँ पे वाटर लॉगिंग हो रहा है उसके लिए भी एक ड्रेनेज सिस्टम इन्होंने ऑर्डर किया है कि कल से उसको काम लगाया जाए और ड्रेनेज का काम कल से शुरू होगा, वहाँ पे एक नया आउटलेट बनेगा जहाँ पे पी एंड यूज टॉयलेट है, वहाँ पे वो काम होने के बाद वहाँ पे वाटर लॉगिंग नहीं हो, इसके लिए डीजी साहब ने ऑर्डर किया। दूसरा ये कि आप सभी देख रहे होंगे, जा रहे आ रहे होंगे, वहाँ पे देखे होंगे आपके रामनगर से जैसे आप क्रॉस कर रहे हैं, क्रॉस करके टूवर्ड्स जब जा रहे हैं 9 नंबर मस्जिद के, वहाँ पे पूरा रोड आप लोग पूरा रोड अभी खराब हो गया है वाटर लॉगिंग की वजह से, उसका भी हम लोगों ने मेयर साहब को बोल के रोड्स डिपार्टमेंट में बोल दिया गया है, वो भी काम कल रात में शुरू होगा और इंशाल्लाह ताला वो रोड का काम कल कंप्लीट हो जाएगा, रोड आपका ठीक हो जाएगा। हम लोग आपसे यही इल्तिजा करते हैं कि आप लोगों को जो भी परेशानी का सामना करना पड़ा है आने वाले दिन में वो परेशानी का सामना आप नहीं करना पड़े, इसी वजह से हम लोग आज खास मेयर साहब से हम लोगों की सुबह मीटिंग हुई, उसके बाद हमारे तमाम कॉर्पोरेशन के डेलीगेट्स और ड्रेनेज डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वो भी यहाँ पे आए और आके हम लोग से जो सोल्यूशन हम लोग ने एक मीटिंग किया है, मीटिंग करके ये सोल्यूशन निकाला है कि किसी भी हाल में इसको रिजॉल्व किया जाए ताकि पब्लिक को आने वाले दिन में इसका प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़े। आपके सामने हमारे चेयरमैन श्री रंजीत सिंह साहब भी है, वो भी सुबह से हमारे साथ बहुत मेहनत किए, हमारी पूरी टीम KMC के डीजी साहब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ तमाम गार्डन रिच के लोगों की तरफ से कि उन्होंने इमीडिएट सारी चीज को ऑर्डर किया है, ऑर्डर करके मुझे भरोसा दिलाया है कि आने वाले दिन में तमाम गार्डन रिच के लोगों को ये वाटर लॉगिंग का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ सर, और आशा करता हूँ कि आपने जो ये ऑर्डर किया है ये इम्प्लीमेंटेशन हो जल्दी से और इमीडिएट काम हो के रिजॉल्व हो ताकि गार्डन रिच के तमाम लोगों को इस प्रॉब्लम को सामना नहीं करना पड़े। आप এই কাজগুলো তো আমাদের খুব তাড়াতাড়ি হচ্ছে এবং হবে, এবং আমাদের আর একটা বড় প্রজেক্ট আছে, ৩০ কোটি টাকার মতো একটা প্রজেক্ট আমরা এখানে নিচ্ছি, সেটা হতে হয়তো একটু টাইম লাগবে, বছর খানিক লেগে যাবে, কিন্তু প্রথম অবস্থা আমরা এটা গিফট করে দিচ্ছি, তারপরে যে বড় প্রজেক্টটা শুরু হয়ে যাচ্ছে ওটা এক বছর বাদে। जिस तरह से खिदरपुर में वाटर लॉगिंग होता था वहां पे नवाबली पार्क में जो पंपिंग स्टेशन का काम हुआ है उसी तरह से यहां पर भी मेयर साहब डीजी साहब को भेज के ये प्लानिंग करने बोले हैं कि जिस जिस एरिया में वाटर लॉगिंग हो रहा है, फतेहपुर जो हमारे चेयरमैन साहब का वार्ड है और रिलेटेड टू हम लोगों का भी एरिया पड़ जा रहा है, फतेहपुर से पानी आके अजरमुल्ला बगान, बैनर्जी बगान और मंगरा तालाब रोड कुछ एरिया में यहाँ पे भी वाटर लॉगिंग हो जा रही है, उसके लिए पहाड़पुर रोड है,
वो सारे रोड्स को वहाँ वाटर लॉगिंग नहीं हो, इसके लिए पंपिंग स्टेशन बनाया जाएगा जो कि 25 से 30 करोड़ का प्रोजेक्ट होगा। वो मेयर साहब ने बोल दिया डीजी साहब को प्लानिंग करने के लिए, और हम लोग उसके लिए एक जगह ढूंढ रहे कहाँ पे पंपिंग स्टेशन बनाना जाए। वो जगह हम लोगों ने देख ली है और देख के काम वो भी बहुत जल्दी शुरू होगा। जिस तरह से आज खिदरपुर में वाटर लॉगिंग का समस्या समाधान हुआ है, उसी तरह से गार्डन रीच के सभी एरिया से आने वाले दिन में वाटर लॉगिंग का समस्या समाधान होगा। ये बात का इंशाल्लाह ताला हम लोगों को उम्मीद है हमारे मेयर साहब से, वो हमेशा काम किए और इंशाल्लाह ये भी काम करेंगे। तो आप लोगों से ये दुआ करते हैं और जो भी तकलीफ आप लोगों को सामना करना, आप लोगों से वादा करते हैं कि आने वाले दिन में ये सारे प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करने का काम करेंगे।